हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। सो आज के दिन 6 अक्टूबर को फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। उसकी कुछ बेसिक जानकारियां और कैसे उसकी तैयारी करें और उसका सिलेबस क्या है, और क्योंकि एग्जाम का बस एक महीना मिला है तो ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो हम खासकर फूड इंस्पेक्टर के लोग जो लोग तैयारी करेंगे ये उनके लिए है, ठीक है। सो मैं आपको बेसिक जानकारी भी दे देता हूँ, फिर सर जो है पूरे सिलेबस को सबको समझा देंगे कैसे पढ़ना है और वो क्या सिलेबस है, कितना टाइम लगेगा। सो मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो आज की तारीख से जो है 6 अक्टूबर से आज से नोटिफिकेशन आ गया, आज से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 27 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और एग्जाम की डेट है 12 नवंबर, ठीक है। पहली जानकारी तो ये हो गई। और एग्जाम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद जो फीस है वो भी मेंशन रहता है इस नोटिफिकेशन पे, ₹350 आपका जनरल की कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी के लिए ₹250 और एसटीएससी के लिए ₹200, ठीक है। सो ये आपका हो गया फीस का। अब उसके बाद आज से क्योंकि स्टार्ट है और खत्म कहां तक है, 27 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भर देना है। सो लास्ट डेट अभी मत करें, अभी 1 वीक के अंदर ही भर दें, ठीक है। फॉर्म में आपको इतना आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखिए कितनी सीट्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, वो उसकी जानकारी भी दे देता हूँ। देखिए, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 15 है, ठीक है, जिसपे 8 सीट आपके प्योर जो सबके लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद 4 सीट महिला रिजर्व रहता है और 2 सीट भूतपूर्व नागरिक, फिर उसके बाद 1 सीट आपका वीएच वालों के लिए रहता है, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। एससी के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 11 सीटें हैं, ठीक है, और ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं और उनके भी बीच में डिविजन्स हैं, वो आप एक बार देख लेना। सो टोटल 35 सीटें हैं जो फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, टोटल 35 सीटों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन वो अपने अपने कैटेगरी पे ही लड़ेंगे। सो ठीक है, सो इसकी तैयारी के लिए आप भिड़ सकते हैं अभी से। सो अब आते हैं मेन चीजों पे। अधिक आयु सीमा के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद सीधा सीधा हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सो आयु सीमा है 21 से 30 वर्ष उन लोगों के लिए जो लोग बाहर से हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि डोमिसाइल होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, उनके पास स्थायी निवास होना चाहिए छत्तीसगढ़, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए आयु सीमा क्या है, 21 से लेके 30 वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ निवासी के लिए, जैसे हम जैसे लोगों के लिए, जैसे आप जैसे जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं, बढ़ा दिया है 35 से 40 कर दिया है। सो एक अच्छी बात है कि 40 तक के वर्ष लोग इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। सो आइए अब सीधा सीधा आते हैं हमारे मेन चीजों पे, जो है सिलेबस डिस्कशन। तो सर आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस में शामिल किया गया है और उनकी तैयारी कैसे करें। सो अतुल तिवारी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम सिलेबस की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो पोर्शन में ये डिवाइड होगा, ठीक है। पहला पोर्शन जो रहेगा वो 150 नंबर का पूछा जाने वाला है, जहां से आपको जीएस के टॉपिक पूछे जाएंगे। इसमें जीएस का जो टॉपिक है वो 150 नंबर का आएगा और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले गणित पूछा जाएगा, ठीक है, गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, भारत का इतिहास है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का संविधान है और छत्तीसगढ़ का नॉलेज है, और इसी के साथ इंक्लूड किया है समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर्स, ठीक है। 150 नंबर का यहाँ से आने वाला है। इसके अलावा जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जो जानकारियां होती है वहां से। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इससे और कंप्यूटर नॉलेज से। 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है और 150 नंबर का जीएस। यदि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिलेबस यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन नहीं रखा गया है। तो लैंग्वेज और रीजनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो केवल इतने ही पोर्शन आपसे पूछे जाने वाले हैं जहां से आपको 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको 3 घंटे में हल करने हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस एग्जाम में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपसे 200 क्वेश्चन बनाने हैं आपको विद गणित के साथ, ठीक है। आपको गणित भी यहाँ पर पूछा जाएगा और इन 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो ये था आपका सिलेबस, जो हम सिलेबस की बात कर रहे थे कि सिलेबस क्या होगा, तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसके अलावा जैसा सर ने आपको बता दिया कि 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 27 तारीख को आपको एग्जाम फिल करना है,
12 तारीख को इसका एग्जाम होने वाला है, आपको 12 तारीख को किसी भी डेट पे 12 नवंबर जो है इसकी मतलब एग्जाम की डेट है, वहां पर आपको एग्जाम दिलाने जा रहा है। यहाँ पर 9 से 12 का टाइम निर्धारित है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इसके पोस्ट में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी एडीओ का एग्जाम होने वाला था जिसमें कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई हैं जो एमए होंगे, ठीक है, ग्रामीण विकास में, तो यहाँ पर भी सीट चेंजेबल है, यहाँ पर सीट बदल सकती है, हो सकता है उसे बढ़ा दिया जाए या उसे घटा दिया जाए। लेकिन अभी जो वर्तमान सीट निकली है वो 35 सीट है आपके फूड इंस्पेक्टर के लिए, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि आप ये पद पा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस कि इसमें कैसे करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, ये 200 नंबर का आपका सिलेबस हो गया। और यदि और कोई जानकारी चाहिए हो तो हम इसमें आगे और भी बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ कि कल का एक देखिए, आप आज तो ये वीडियो अपलोड हो गया, आप देख रहे हैं, सो अगर वो वीडियो आप देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो जो है इस फूड इंस्पेक्टर का जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपलोड कर रहा हूँ, वो वीडियो को कर रहा हूँ शूट, कि उससे आप Q&A सेक्शन अपन बना रहे हैं, मतलब आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो व्यक्ति फूड इंस्पेक्टर निकाला हुआ है, ठीक है। सो वो उस व्यक्ति से मैं आपको कल मिलाऊंगा, सो एक सरप्राइज रखते हैं, आप उससे कुछ भी क्वेश्चन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहें उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैं उनके साथ में हाजिर रहूंगा कल, सो अगर आप उनसे आप तैयार रहिए, अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहिए, और कल मिलते हैं हम लोग उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन के साथ। सो फूड इंस्पेक्टर के लिए आपको वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो और मैं एक चीज और बोलता हूँ कि अपन 20 तारीख या फिर 25 अक्टूबर के तक हम लोग मैं पूरे वीडियोस जो हैं फूड इंस्पेक्टर के बना लेंगे, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस आप हमारे देख पाएंगे। सो CGPSC e-Gyan को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फूड इंस्पेक्टर के वीडियोस के लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम CGPSC e-Gyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.